भारत विश्व में धान की खेती करने वाले बड़े देशों में से एक है। विश्व के कुल उत्पाद का 20% हिस्सा भारत से आता है। भारत में खेती के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जमीन का प्रमुख भाग धान की खेती में जाता है। पर धान की लाभदायक खेती करने में सबसे बड़ी रुकावट है इसमें आने वाली फफूंदी की बीमारियां। ब्लास्ट धान में आने वाली बीमारियों की श्रेणी में पूरे विश्व में पहले नंबर पर आता है। ब्लास्ट एक बीमारी है जो पत्तों की प्रारंभिक अवस्था में हमला करती है और फिर बालियां निकलने की अवस्था से लेकर कटाई के कुछ समय पहले तक आती है। ब्लास्ट को विश्व में धान का सबसे बड़ा रोगात्मक खतरा माना जाता है क्योंकि वह धान के उत्पाद को भारी नुकसान पहुंचाता है। किसानों के लिए ब्लास्ट की समस्या काफी तनावपूर्ण है क्योंकि एक बार ये रोग अगर लग गया तो यह आग की तरह फैलता है और कुछ ही समय में धान की उत्पादकता को भारी नुकसान पहुंचाता है। इससे दानों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है जिसका सीधा प्रभाव किसानों के आमदनी और मुनाफे पर पड़ता है। ड्यूपॉन्ट में हम इस समस्या का समाधान लगातार ढूंढ रहे थे। ड्यूपॉन्ट एक 215 साल पुरानी बहुराष्ट्रीय नव परिवर्तनशील वैज्ञानिक कंपनी है जो अपने नवीन एवं असरदार उत्पादों जैसे फर्टेरा कोराजन के साथ सालों से किसानों की समस्याओं का समाधान करती आ रही है और हर बार की तरह हम किसानों की ब्लास्ट की समस्या का हल ढूंढने में जुट गए। ड्यूपॉन्ट के वैज्ञानिकों ने कई अनुसंधान किए और आविष्कार किया फफूंदी नाशक की श्रेणी का एक उत्कृष्ट उत्पाद ड्यूपॉन्ट गैलिलियो। ड्यूपॉन्ट गैलिलियो एक रोग निरोधक फफूंदी नाशक है। इसका सक्रिय तत्व है पिकोक्सिस्ट्रोबिन। पिकोक्सिस्ट्रोबिन एक स्ट्रोबुलिन ग्रुप का महत्वपूर्ण कृषि फफूंदी नाशक है जिसके कार्य करने का तरीका भिन्न है। आइए देखें ड्यूपॉन्ट गैलिलियो काम कैसे करता है। ड्यूपॉन्ट गैलिलियो बीमारी के जीवाणु को ऊर्जा पैदा करने वाले कोशिकाओं के साथ संगठित होकर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक देता है जिसके फलस्वरूप जीवाणु के ऊर्जा पैदा करने वाली कोशिकाएं बंद पड़ जाती हैं और जीवाणु की कुछ ही क्षण में मृत्यु हो जाती है। आइए आपको ड्यूपॉन्ट गैलिलियो की विशेषताओं के बारे में और जानकारी दें। ड्यूपॉन्ट गैलिलियो का पुनः वितरण गुण अद्भुत है। यह पत्तों के टिश्यू में 2 से 3 घंटों में समा जाता है और पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर बारिश हो तो भी धुलता नहीं है। यह पौधे के प्रणाली में समाकर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है जिससे ड्यूपॉन्ट गैलिलियो एक जगह इकट्ठा नहीं होता और पूरे पौधे में समान रूप से फैल जाता है। यह पत्ते के आर पार जाकर पत्ते की निचली सतह जहां छिड़काव मुश्किल हो उसे भी सुरक्षित रखता है। ड्यूपॉन्ट गैलिलियो पत्ते के ऊपरी त्वचा के मोम में समाकर पौधे को ब्लास्ट के जीवाणु से रोग निरोधी सुरक्षा प्रदान करता है। पत्ते की ऊपरी सतह पर जमा ड्यूपॉन्ट गैलिलियो वाष्प बन पौधे में पुनः वितरित हो पौधे को हर तरफ से सुरक्षित रखता है और पास के पत्तों की सुरक्षा भी मजबूत करता है। यह पौधे में लंबे समय तक रहकर उसे सुरक्षा प्रदान करता है। स्वस्थ रोग रहित फसल और चमकदार दाने पाने के लिए ड्यूपॉन्ट गैलिलियो का सुरक्षात्मक छिड़काव अनिवार्य है। ड्यूपॉन्ट गैलिलियो का सुरक्षात्मक छिड़काव ही क्यों? ब्लास्ट फैलाने वाले जीवाणु को आयरिकुलेरिया ओराइजे कहा जाता है। इस फफूंद के जीवाणु हवा में हमेशा पाए जाते हैं। जीवाणु फसल की एक निर्धारित अवस्था पर ही नुकसान पहुंचाते हैं। फसल के अनुकूल अवस्था रात के तापमान में गिरावट लगभग 22 से 28 डिग्री तक या अत्यधिक नमी 95% से ज्यादा के मिलते ही ब्लास्ट आग की तरह फैल जाता है। और भी कुछ कारण जैसे कि नाइट्रोजन का अधिक इस्तेमाल, ओस का जमा होना, पत्ते के लंबे समय तक गीला रहना भी ब्लास्ट के फैलने में मदद करते हैं। चलिए देखें कि जीवाणु को अनुकूल वातावरण मिलने पर क्या होता है। जीवाणु हवा के बहाव से चलकर फसल पर आ गिरता है। जीवाणु से विशिष्ट ट्यूब निकलकर पत्ते की सतह पर फैलकर पत्ते में घुसने का रास्ता ढूंढती है और फिर वहां से पत्ते में प्रवेश करती है। वह पत्ते के साथ एक रोग जनक रिश्ता कायम कर उससे सारा पोषक तत्व लेने लगते हैं और कई हजारों जीवाणुओं को जन्म देता है जो आसपास के पौधे पर गिरकर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। यह जीवाणु एक फसल चक्र में कई बार अपने जीवन चक्र को दोहराने की क्षमता रखते हैं। कई बार ये फसल का 70 से 80% नुकसान भी कर देते हैं।
किसान ब्लास्ट फैलने के दिनों में तनावपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता है जब तक वह कोई इलाज करेंगे तब तक ब्लास्ट काफी बर्बादी कर चुका होगा और इतना बढ़ गया होगा कि उसको नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। बार बार अलग अलग दवाओं पर खर्च होगा और फिर भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलेंगे। और जैसा हम सब जानते हैं कि एक बार ब्लास्ट जो नुकसान कर देता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। धान में चार तरीके के ब्लास्ट देखे गए हैं, जैसे लीफ, गर्दन, नोड और कॉलर ब्लास्ट। इनके लक्षण बीमारी के संक्रमण के 72 से 96 घंटों के बाद गीले वातावरण में नजर आने लगते हैं। इन सभी प्रकार में लीफ ब्लास्ट और गर्दन तोड़ की समस्या सबसे ज्यादा देखी गई है। ड्यूपोंट गलेलियो का सुरक्षात्मक छिड़काव इन दोनों बीमारियों को प्रभावशील नियंत्रण प्रदान करता है। लीफ ब्लास्ट के लक्षण धान के प्रारंभिक अवस्था यानी पूरे फुटाव में दिखाई देने लगते हैं। पत्तों की यह कोमल अवस्था जीवाणु के प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। ये पत्तों में आसानी से प्रवेश कर पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल को अपना आहार बना लेती हैं। क्लोरोफिल पौधों की भोजन प्रणाली के लिए जिम्मेदार होता है और कुछ ही दिनों में पत्तों पर अंडे के आकार के घाव, जिनके सफेद केंद्र और भूरे किनारे हों, दिखाई देने लगते हैं। लीफ ब्लास्ट की उग्र स्थिति में ये घाव बढ़कर आसपास में मिल जाते हैं और अंत में पत्तों को मार देते हैं। गर्दन तोड़ की बीमारी बालियां निकलने की अवस्था पर आती है। इसमें जीवाणु बालियों की गर्दन को संक्रमित कर भूरे रंग के घाव से घेर लेते हैं और पोषक तत्व को बालियों में जाने से रोक देते हैं। पोषण न मिलने पर बालियां सफेद हो जाती हैं और खोखली या आधी भरी नजर आती हैं। गर्दन तोड़ अगर दाना भरने की अवस्था से पहले अपना संक्रमण फैला दे तो पूरी बाली समय से पहले मर जाती है और कई बार बीमारी गंभीर रूप से फैल जाए तो बाली टूट कर गिर भी जाती है। गर्दन तोड़ का सीधा प्रभाव धान की पैदावार, उसकी गुणवत्ता पर होता है और इसके लिए सुरक्षात्मक इलाज करना बेहद जरूरी हो जाता है। किसी ने सही कहा है कि अग्रिम सुरक्षा बाद के चिकित्सात्मक सुरक्षा से कई गुना बेहतर है। समस्या के आने से पहले किया गया एक छोटा सा प्रयास आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है। चलिए समझें ड्यूपोंट गलेलियो का इस्तेमाल कब करें। अगर आपके यहाँ लीफ ब्लास्ट की समस्या है तो ड्यूपोंट गलेलियो का सुरक्षात्मक छिड़काव तब करें जब 100 में से 3 पत्तों से भी कम में लीफ ब्लास्ट का संक्रमण दिखाई दे। अगर आपके खेत में लीफ ब्लास्ट और गर्दन तोड़ की समस्या आती हो तो ड्यूपोंट गलेलियो का पहला सुरक्षात्मक छिड़काव तब करें जब 100 में से 3 पत्तों से भी कम में लीफ ब्लास्ट का संक्रमण दिखाई दे और दूसरा सुरक्षात्मक छिड़काव बालियां निकलने की अवस्था पर गर्दन तोड़ से नियंत्रण के लिए करें। और अगर आपके खेत में सिर्फ गर्दन तोड़ की भारी समस्या हो तो ड्यूपोंट गलेलियो का पहला छिड़काव बालियां निकलने की अवस्था पर करें और दूसरा छिड़काव पहला छिड़काव के 10 से 14 दिनों के बाद करें। इससे आपको गर्दन तोड़ का प्रभावशाली नियंत्रण मिलेगा। लीफ ब्लास्ट और गर्दन तोड़ के नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ में 240 मिलीलीटर ड्यूपोंट गलेलियो का इस्तेमाल 200 लीटर पानी में बताए गए तरीके से ही करें। आइए देखें ड्यूपोंट गलेलियो के सुरक्षात्मक छिड़काव करने के क्या फायदे हैं। ड्यूपोंट गलेलियो के सही समय पर छिड़काव करने से मिले स्वस्थ साफ सुथरी फसल और दाग रहित पत्ते, जो अच्छी पैदावार की बुनियाद है। इसके छिड़काव से धान की फसल लंबे समय तक हरी रहती है। ड्यूपोंट गलेलियो से उपचारित फसल में दाने बालियों के एक छोर से दूसरे छोर तक समान रूप से भरते हैं, जिसके कारण दाने खोखले नहीं निकलते, जिससे हर बाली पर ज्यादा संख्या में मोटे और पूरी तरह से भरे दाने मिलते हैं और आधे भरे दानों की संख्या काफी हद तक कम हो जाती है। ड्यूपोंट गलेलियो का सुरक्षात्मक छिड़काव करने पर ज्यादा संख्या में दाग रहित स्वस्थ और चमकदार दाने मिलते हैं, जिससे बाजार में धान की बेहतर कीमत भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि ड्यूपोंट गलेलियो हमेशा प्रभावी रूप से आपके खेत में काम करता रहे तो सावधानी बरतना आवश्यक है। ध्यान दें कि एक फसल चक्र में ड्यूपोंट गलेलियो का दो बार से अधिक उपयोग न करें। ड्यूपोंट गलेलियो एक रोग निरोधक फफूंदी नाशक है और इसका प्रयोग केवल सुरक्षात्मक रूप में ही करें। ड्यूपोंट गलेलियो का इस्तेमाल ऐसे खेतों में ना करें जहां मत्स्य पालन और धान साथ साथ उगाया जाता हो। तो अब की बार ड्यूपोंट गलेलियो के साथ निश्चिंत रहें और आने दो ब्लास्ट को।